नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी रायजादा। 29 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इस दिन लोगों को हृदय से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मामले सोमवार के दिन ही सामने आते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं, ये अमेरिका की हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के दौरान कहा गया है। विशेषज्ञों के द्वारा की गई रिसर्च में पता चला कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक लोगों को सोमवार के दिन ही पड़ता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं, लोगों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता जाता है। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मामले सर्दियों में देखे जाते हैं। ऐसे में रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पड़ने का खतरा सर्दियों में होता है। कई बार अक्सर यह सुना जाता है कि दिल टूट गया। उसका मतलब किसी के प्यार में दिल टूटना नहीं, बल्कि हार्ट संबंधित बीमारी से होता है। दरअसल दिल टूटना एक ऐसी बीमारी है जिसे मेडिकल साइंस में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का नाम दिया गया है। यह बीमारी ज्यादातर तनाव और डिप्रेशन में रहने वाले लोगों में देखी जाती है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी अमेरिका में हुई थी। इस सर्जरी को अमेरिकी कार्डियोलॉजिस्ट डेनियल विलियम्स ने बिना एक्सरे और एंटीबायोटिक्स के किया था। बहरहाल, अगर आप अपने हार्ट को बीमारी से दूर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आप अपने आप को हमेशा खुश रखें। आपके खुश रहने से न सिर्फ आपका हार्ट निरोग रहेगा, बल्कि आपके शरीर के अनेकों अंग भी स्वस्थ रहेंगे। इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे छोटा दिल किसके पास होता है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। दुनिया में सबसे छोटा दिल फेयरफ्लाई नाम की ततैया के पास होता है। ये दिल इतना छोटा होता है कि इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। फिलहाल ये तो देखिए आपने हमारी रिपोर्ट। 29 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ऐसे में हम कामना करते हैं कि दुनिया का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और निरोगी रहे। धन्यवाद।